नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है मारुति सुजुकी का कॉमर्शियल लोडिंग वाहन सुपर कैरी, वो भी कंपनी फिटेड सीएनजी टैंक के साथ में। कंपनी फिटेड सीएनजी टैंक का मतलब है कि आपको कोई डर नहीं है इसमें, आपको ना तो वायरिंग छिड़वाना है ना कुछ, और इससे गाड़ी आपकी वारंटी में भी रहेगी और आप बेफिक्र होकर चला सकते हैं। इसमें आपको 35-35 लीटर के दो सीएनजी टैंक देखने को मिल जाते हैं। इमरजेंसी के तौर पे 5 लीटर का पेट्रोल टैंक भी मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि कहीं पे सीएनजी पंप नहीं मिलता है तो आप पेट्रोल को भी यूज में ले सकते हैं। तो आज हम इसका फुल डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसमें इसके फीचर्स, इसके किलोमीटर रेंज, माइलेज और ऑन रोड कीमत पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। कि अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो कुछ इस प्रकार का इसमें आपको जो है लुक देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया है। बिल्कुल फ्लैट इसमें दिया गया है, कोई ज्यादा इसमें डिजाइन नहीं दी गई है। इसमें आपको जो है बड़े बड़े यहाँ पे हेडलाइट्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में ही आपको जो है 10 इंडिकेटर मिल जाता है इसमें इनबिल्ट ही, आप देख सकते हैं। और फाइबर में यहाँ पे आपको जो है बम्पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है मारुति सुजुकी का लोगो, ब्लैक कलर की यहाँ पे ग्रिल दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है दो वाशर मिल जाते हैं, ताकि इसकी विंड स्क्रीन पे पानी का छिड़काव कर सके। दो वाइपर ब्लेड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाती है सुपर कैरी की बैजिंग, जो कि काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे सीएनजी की बैजिंग, बढ़िया सा हरा कलर का ग्राफिक्स है, जो कि इसके लुक को काफ़ी बढ़िया बना रहा है। इसमें आपको जो है यहाँ पे फाइबर में ही बम्पर मिल जाता है, व्हाइट कलर की रिफ्लेक्टर पट्टी मिल जाती है, यहाँ पे नंबर प्लेट वगैरह लग जाती है, और यहाँ पर भी आपको दो छोटे दोनों साइड में जो है रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। आगे अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको जो है आगे की ओर मेक पर्सन स्टूड कोयल स्प्रिंग वाला सस्पेंशन मिल जाता है, वहीं पीछे आपको जो है लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की, तो आप देख सकते हैं आगे छोटा सा केबिन है, पीछे आपको जो है कार्गो बॉडी मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको जो है साइड मिरर देखने को मिल जाता है, ताकि पीछे से आती हुई गाड़ियों को आप इजीली देख सकते हैं। हरा कलर का बढ़िया सा ग्राफिक्स, यहाँ पे सीएनजी की बेजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे आपको जो है एयर कर्टन दिए गए हैं। इसमें आपको जो है 13 इंच के टायर साइज देखने को मिल जाते हैं, 155 और 13 इंच के इसमें आपको टायर साइज मिलेंगे, वो भी ब्रिज स्टोन के दिए गए हैं, जो ये भी काफी बढ़िया है। यहाँ पे आपको मड फ्लैप मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, यानी कि 5 लीटर का इसमें आपको पेट्रोल टैंक मिलेगा। और ये जो है 820 यानी कि BS6 फेज 2 वाला इसमें इंजन आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे सीएनजी की जानकारी मिल जाती है, जिसमें डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, वाटर कैपेसिटी कितने लीटर का है, वो पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। और आप देख सकते हैं 2024 का ही ये मॉडल दिया गया है, 35 लीटर का दिया गया है, और इसमें आपको जो है व्हीकल चेसिस नंबर वगैरह पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और यहीं से जो है आप इसके सीएनजी को फिल करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से लॉक किया गया है, इसको चाबी से आप खोल सकते हैं, और यहाँ से जो है आप सीएनजी को फिल करवा सकते हैं। यहीं पे आपको जो है दो सिलेंडर दिए गए हैं 35-35 लीटर के, जिनको अगर आप एक बार भरवा लेते हैं तो काफी लंबी दूरी तय कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सीएनजी पंप आपको नहीं मिलता है, तो यहाँ पे पास में ही 5 लीटर का पेट्रोल टैंक भी दिया गया है, तो ये भी काफी बढ़िया है। आप देख सकते हैं सीएनजी के टैंक, आपको दो जो है सीएनजी के टैंक देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी की जो ओवरऑल लंबाई है वो है 3800 एमएम की, और इसकी अगर हम डेक लेंथ की बात करें तो 7 फीट 2 इंच की जो है लंबाई है, और 5 फीट की चौड़ाई दी गई है। इसमें आप 625 केजी का पेलोड आराम से डाल सकते हैं, जो कि आरटीओ पास है। बाकी आप, मेरे को पता है, थोड़ा ज्यादा भी डालेंगे तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें पीछे आपको जो है पत्ते कबाने वाला सस्पेंशन और आगे जो है मेक पर्सन स्टूड कोयल स्प्रिंग वाला सस्पेंशन, इसका जो है कॉम्बिनेशन होता है वो काफी बढ़िया होता है। इसमें आपको जो है यहाँ पे हुक्स वगैरह मिल जाते हैं, ताकि इसमें अगर आप कुछ लोड वगैरह करते हैं, रस्सी से बांधते हैं, तो आराम से बांध सकते हैं। इसमें आपको जो है 13 इंच के टायर साइज मिल जाते हैं, और अगर हम बात करें इसके कार्गो बॉडी की, तो नाप कर भी हम देख सकते हैं लगभग इसमें आपको जो है 7 फीट 2 इंच की कार्गो बॉडी मिल जाती है। ये हमने पूरी जानकारी लेने की कोशिश करी है। और अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 160 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और ये आप इसके पीछे की प्रोफाइल देख सकते हैं, भी बढ़िया सा इसमें लुक मिल जाता है। पीछे अगर आपको देखें तो कुछ इस प्रकार की लाइट देखने को मिल जाती है, जिसमें 10 इंडिकेटर, ब्रेक लाइट और बैक लाइट इसमें आपको तीनों मिल जाते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, रेड कलर की रिफ्लेक्टर पट्टी इसके डाले में यहाँ पे मिल जाती है। पीछे ही आपको जो है यहाँ पे स्टेपनी मिल जाती है, जिसको आप इजिली खोलकर काम में ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाती है, और यहाँ पे लाइट दी गई है, ताकि इसके नंबर आसानी से दिख सके। पीछे की ओर यहाँ पे साइलेंसर मफलर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाती है आपको मारुति सुजुकी की बैजिंग। और इसके डाले को अगर आप खोलना चाहें तो बड़े ही आसानी से इसको ऐसे खोल सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है इसके डाले को खोलना।
दोनों साइड से आप इजीली इसको खोल सकते हैं। तो चलिए जी चलते हैं अब इसके केबिन में और आपको दिखाते हैं इसका केबिन। और केबिन आप देख सकते हैं काफी बढ़िया साइज में केबिन दिया गया है सिंगल कलर में। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मारुति सुजुकी सुपर कैरी सीएनजी के केबिन में और आप ये इसका स्टेयरिंग देख सकते हैं। मैनुअल स्टेयरिंग है लेकिन इसमें आपको रैक एंड पिनियन मिलेगा, यानी थोड़ा इजी इसमें देखने को मिल जाता है और बड़ा सा इसमें आपको स्टेयरिंग देखने को मिल जाता है। अगर हम टाटा एस वगैरह की बात करें उससे आपको बड़ा स्टेयरिंग देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया है। यहीं पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग मिल जाती है और यहाँ पे आपको मिल जाता है बोतल होल्डर, अगर आप बोतल वगैरह कुछ रखना चाहें तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। इसकी अगर हम सीट की बात करें तो आप देख सकते हैं जो को ड्राइवर वाली सीट है लंबी सीट दी गई है। अगर आप कई बार अगर ड्राइवर आराम करना चाहे तो जो है ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीट पे लेट सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी सीट दी गई है। अच्छा इसमें आपको जो है लेग रूम मिल जाता है, आप देख सकते हैं। और ड्राइवर सीट या हो या फिर को ड्राइवर दोनों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, नॉर्मल आपको सीटिंग मिल जाती है फ्लैट। और ये आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं जो कि बढ़िया है, पूरा एक ही कलर में है, ग्रे कलर में। इसमें आपको जो है यहाँ पर लोकेबल ग्लो बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप अगर कुछ आरसी डॉक्यूमेंट जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। बड़ा सा ग्लो बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर भी मिल जाता है। और अगर आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको जगह दी गई है, हालांकि कंपनी से इसमें आपको कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। यहाँ पे अगर आप मोबाइल वगैरह कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट भी मिल जाता है, यहाँ आप मोबाइल को चार्ज लगाकर रख सकते हैं। इसमें यूएसबी चार्जर होना चाहिए था लेकिन वो नहीं दिया है। बाकी इसमें आपको लेग रूम काफी बढ़िया मिल जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है केबिन लाइट मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड में सनवाइजर मिल जाता है, जब भी आगे से अगर धूप वगैरह आ रही है तो आप जो है इसको नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको IRVM मिल जाता है, हैंडल्स वगैरह इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर भी आपको हैंडल्स मिल जाता है। और ये आप इसके पेडल्स देख सकते हैं, ABC एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच खुले खुले हैं और काफी ज्यादा इसमें आपको जो है बढ़िया देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको जो है LSPV ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, यानी जो लोड सेंसिंग वगैरह, क्योंकि इसमें आपको जो है लोड ही करना है क्योंकि एक ये कॉमर्शियल व्हीकल्स है। और यहाँ पे आपको जो है एयर डक्ट मिल जाता है ताकि इसकी केबिन वगैरह में जो है आप धूप वगैरह में कई बार गाड़ी खड़ी रहती है तो इसमें आपको जो है गैस वगैरह नहीं बनेगी, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये भी काफी बढ़िया है। और इसमें आपको जो है ये दोनों साइड में जो है एयर डक्ट मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। और यहाँ पे स्टीयरिंग के राइट साइड में आपको एक स्विच मिलेगा जिसमें आप ये स्विच कर सकते हैं कि इसको CNG में चलाना है या फिर पेट्रोल में। वैसे तो ये CNG में चलेगी, इसमें आपको जो है 35-35 लीटर के 2 टैंक दिए गए हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों या फिर छोटे शहरों में CNG के पंप नहीं मिलते तो वहाँ पे आपको पेट्रोल वगैरह से आप एक बार की काम चला सकते हैं, यानी कि इसमें आपको 5 लीटर का इमरजेंसी पेट्रोल टैंक भी मिल जाता है, तो ये काफी बढ़िया है। बाकी यहाँ से आप जो है स्विच कर सकते हैं पेट्रोल में चलाना है या फिर CNG में चलाना है। कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है, कोई रिमोट वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगा। जो मारुति के लगभग 800 वगैरह में जो आती थी वो पुराने वाली इसमें की मिलेगी। और अब हम आपको दिखाते हैं इसका स्पीडोमीटर, तो ये आप इसका देख सकते हैं स्पीडोमीटर। इसमें अगर हम बात करें तो 120 की टॉप स्पीड बताई गई है, हालांकि कम जो है सरकारी नियम के अनुसार 80 से ज्यादा आप नहीं दौड़ा सकते कॉमर्शियल वाहन को। और इसका जो बीच का MID है इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो है इसका CNG का दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं CNG फुल अभी है। और पेट्रोल का जो है राइट साइड में बताएगा तो आप देख सकते हैं इसमें अभी फिलहाल पेट्रोल नहीं है। बीच में आपको बताएगा गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, तो वो सारी इसमें आपको जो है जानकारी आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें आपको जो है देखें तो 120 की टॉप स्पीड बताई गई है, हालांकि कॉमर्शियल वाहन को आप 80 से ज्यादा नहीं दौड़ा सकते। पीछे आपको जो है स्लाइडर ग्लास मिल जाता है ताकि आप इसके कार्गो बॉडी में देख सकते हैं और इसको वापस आराम से वापस लॉक भी कर सकते हैं। इसमें आपको एडवांस के सीरीज का डुअल जेट डुअल VVT इंजन मिलता है, 52.7 किलोवाट की पावर यानी कि 71.7 PS की पावर, 95 Nm का टॉर्क मिल जाता है, अधिकतम 2800 RPM पे 1197 cc का इंजन मिलता है MPFI। तो लगभग इसमें आपको बढ़िया 1.2 लीटर का इंजन मिल जाता है। माइलेज की अगर हम बात करें तो ये CNG है तो इसमें आपको लगभग 24 का माइलेज आराम से मिल जाता है जो कि पर केजी का है। इसमें 7-7 KG के 2 सिलेंडर होते हैं तो पर केजी में आपको 24 किलोमीटर ये आराम से निकाल के दे देगा। हालांकि कंपनी थोड़ा ज्यादा क्लेम कर रही है लेकिन हम इसका इतना मानकर चलते हैं। और पेट्रोल में लगभग वही है 16 से 17 का माइलेज। इसमें आगे की ओर आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं और इसमें LSPU ब्रेकिंग सिस्टम दिए गए हैं जो कि लोड सेंसिंग वाले हैं, जो कि काफी बढ़िया हैं। और इसमें पावरफुल इंजन है तो यार ब्रेकिंग भी अच्छी चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको 4.3 मीटर का छोटा टर्निंग रेडियस सर्किल मिल जाता है जिसे आप सिटी वगैरह में या फिर थोड़ी जगह में गाड़ी को घुमा सकते हैं। 34% की बढ़िया ग्रेडिबिलिटी मिल जाती है जिसे आप फ्लाई ओवर हो या फिर ऊंचाई पर सामान अगर आपको ले जाना हो तो आप आराम से चढ़ा सकते हैं। 1600 kg का इसमें आपको ग्रॉस व्हीकल वेट मिलता है और
गाड़ी के वजन की अगर हम बात करें तो 975 केजी का है, जो कि कर्व वेट हम बोलते हैं। 2110 mm का इसमें आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है। ने मारुति सुपर कैरी के बारे में लगभग सभी जानकारी दी है। अब अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसकी ऑन रोड कीमत, डाउन पेमेंट और किस्त के बारे में जानते हैं। मारुति सुपर कैरी CNG की एक शोरूम कीमत है 640,450 रुपए, जो कि पूरे भारत में सेम है, क्योंकि एक शोरूम कीमत में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। RTO इंश्योरेंस मिलाने के बाद ऑन रोड कीमत हो जाती है 7,45,000 रुपए, ये राजस्थान की। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो कहीं पे थोड़ी कम है, कहीं पे ज्यादा है, रोड टैक्स में थोड़ा डिफरेंस आता है, तो 5-10-20 हजार रुपए का फर्क आ सकता है, तो आप अपने शोरूम नजदीकी शोरूम में पता कर सकते हैं। अभी इस पे शानदार ऑफर चल रहा है मार्च का, जिसमें आपको 35,000 रुपए की कैश छूट मिलेगी, यानी कि कंज्यूमर ऑफर है। तो आफ्टर डिस्काउंट इसकी ऑन रोड कीमत हो जाती है 7,10,000 रुपए में, इसको आप कैश में घर लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी अपनी पुरानी गाड़ी एक्सचेंज में देते हैं तो आपको 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा, तो ये भी काफी बढ़िया है। तो आप टोटल 50,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। तो ये तो होगी इसकी कैश की कीमत। अगर आप इसको फाइनेंस में खरीदना चाहते हैं तो इसकी जो ऑन रोड कीमत है 7,10,000 रुपए, इसका 90% तक फंडिंग हो जाती है, लगभग 6,39,000 बैठता है, लेकिन हमने राउंड फिगर में 6,35,000 का फाइनेंस किया है। तो आपको डाउन पेमेंट देना होगा मात्र 75,000 रुपए, यानी कि 75,000 रुपए में आप मारुति सुपर कैरी CNG घर लेकर जा सकते हैं। बाकी का पैसा आप आसान EMI बनाकर भर सकते हैं। अब अगर हम EMI की बात करें, अगर आप 6,35,000 रुपए का फाइनेंस करवाते हैं तो 13,806 रुपए की 60 किस्तें बनेंगी और एक ऋण में 386 रुपए का इंटरेस्ट पे करना होगा। ये 5 साल के लिए लोन है, अगर आप चाहें तो 4 साल के लिए भी करवा सकते हैं, 3 साल के लिए भी फाइनेंस करवा सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं तो ज्यादा डाउन पेमेंट दे सकता हूं, मैं 6,35 के बजाय 5 लाख का ही फाइनेंस कराऊंगा, तो फिर डाउन पेमेंट बैठता है 2,10,000 रुपए का। उस केस में आपको EMI बनेगी 10,870 रुपए की 60, यानी कि 5 साल के लिए, और इसमें आपको 1,52,272 रुपए का ही ब्याज देना होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं 48 महीने की, यानी कि 4 साल के लिए ही फाइनेंस करूंगा, तो फिर 12,922 रुपए की 48 किस्त बनेगी और 1,20,292 रुपए का आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। यानी कि अगर आप कम समय के लिए कम अमाउंट का फाइनेंस करवाते हैं तो आपको ब्याज भी कम लगेगा और EMI भी आप छोटी बनवा सकते हैं। तो अगर हम लोन डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये कॉमर्शियल वन है, तो इसमें भी आपको नॉर्मल आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, यानी 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और 4 चेक की जरूरत होगी। इसके अलावा कई केस में आपको इनकम प्रूफ भी देना हो सकता है, तो आपके पास जो भी दुकान है या फिर जहां पर भी आपने इसको लगा रखा है, कोई गोडाउन या फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी में या फिर कहीं पर भी इसको सब्जी वगैरह में यूज करते हैं, तो आप एक प्रूफ दे सकते हैं। तो ये था आज का मारुति सुपर कैरी CNG का वीडियो। अगर आप सीकर या फिर सीकर के आसपास से हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, फाइनेंस की आपको जानकारी चाहिए या फिर ऑफर में अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो ये बुद्धि प्रकाश जी हैं जो यहाँ के सेल्स मैनेजर हैं। आप जो मेरे नीचे नंबर दिए हैं इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको टाटा एसी या फिर सुपर कैरी CNG के बारे में कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो भी आप हमें पूछ सकते हैं।